अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोर स्टार किचन। दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से हों, अल्लाह ताला की हिफाजत में। अल्लाह सुबहान ताला आप सबको अपने जमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आप सबके साथ कुरान पाक की सूरत इब्राहिम आयत नंबर 7 उसका मीनिंग शेयर करूँगी। वो इस तरह से है, याद रखो तुम्हारे रब ने खबरदार कर दिया था कि अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और ज्यादा नवाजूंगा, और अगर कुफराने नेमत करोगे तो मेरी सजा बहुत सख्त है। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह सुबहान ताला हम सबको अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल करे, आमीन सुम्मा आमीन। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें और कोशिश करें ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे किसी ने फरमाइश की थी कमेंट करके कि ऐसी बिरयानी बनाएं जो 45 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाए, तो आज मैं उन्हीं की फरमाइश पर ये बिरयानी रेडी करने लगी हूँ, जो कि वर्किंग वुमेन वर्किंग जेंट्स के लिए बहुत ही आसान रेसिपी है। उन्हीं की फरमाइश पर मैं चिकन बिरयानी रेडी करने लगी हूँ। ये बहुत जल्दी बन जाएगी इंशाल्लाह, कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी ये रेडी हो जाए, और आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 400 ग्राम मेरे पास चिकन है, जिसके लिए मैंने चावल लिए हैं तकरीबन 600 ग्राम चावल, उनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। इसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 2 बड़े साइज के प्याज हैं, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, तकरीबन 8-10 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, 1 सब्ज मिर्च है, और इसमें दही जाएगी तकरीबन 3 टेबलस्पून, और लेमन जूस मैंने लिया है जो हाफ मैं चावलों में हाफ लेमन चावलों में ऐड करूंगी और हाफ मैं वो चिकन के सालन में। और मसालों में इसमें जो कुछ जाएगा उसमें 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी है, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, और तकरीबन 1 टीस्पून ही चाट मसाला है। गरम मसाला और ये सब्ज़ धनिया हम लास्ट में ऐड करेंगे सालन में। और सबसे पहले हम चिकन के मसाले की तैयारी करते हैं, फिर बाद में आपको बताती हूँ कि चावलों में क्या क्या ऐड होगा। सबसे पहले हम ब्लेंडर में 1/2 टमाटर इसमें ऐड कर देंगे, और इतने टमाटर हमने वैसे ही ऐड करने हैं साबुत स्लाइस में, और प्याज भी हम आधा इसमें ऐड करेंगे, और बाकी का हम ऐसे ही डाल देंगे। तो ये अदरक और लहसुन ये फ्रेश ही डालना है आपने, पहले से बना हुआ नहीं ऐड करना, और एक इसमें सब्ज मिर्च ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ऐड कर दिया है ये जो ब्लेंडर में मसाला हमने ब्लेंड किया था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। जो टमाटर और प्याज जो हमने रखे थे आधे बचा लिए थे वो भी इसमें ऐड कर देने हैं। ज्यादा बिल्कुल ऐड नहीं करना, ब्लेंडर जार में थोड़ा सा मैंने पानी डाल के जो मसाला लगा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। ये सारे मसाले भी साथ, नमक मिर्च हल्दी और चाट मसाला, ये भी हम साथ ही ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हिला लेंगे, इसी पानी में ही ये चिकन गल जाएगी, थोड़ा सा ये पक जाएगा, जब हाफ डन हो जाएगा फिर हम इसमें दही ऐड कर देंगे। मैं आपको बताती हूँ किस स्टेज पे दही ऐड करनी है। बिरयानी में ज़रा मसाला ज़्यादा होता है, टमाटर प्याज इन चीज़ों से ही बिरयानी का टेस्ट बनता है, क्योंकि मसाले ज़्यादा हों तो फिर ही जायका इसका अच्छा लगता है। बिरयानी बनाने के बहुत से तरीके हैं, एक प्याज ब्राउन करके भी बनाई जाती है, मैं अक्सर प्याज ब्राउन करके ही बनाती हूँ। ये जल्दी बनाने के लिए, आसानी के लिए मैंने इस तरह से रेडी की है, ये भी बहुत टेस्टी बनती है, आप इस तरीके से भी बनाइएगा इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। अब हम अपने चावलों की तरफ आ जाते हैं। चिकन हमारी पक रही है, इसके लिए हमें 2 चूल्हे एक साथ चाहिए,
एक तरफ हमारी चिकन पक रही है, दूसरी तरफ हम चावलों का काम कर लेते हैं। चावल मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिए थे, अच्छी तरह भीग चुके हैं। इसमें साबुत गरम मसाला जाएगा, जिसमें 10-15 तकरीबन काली मिर्ची है साबुत, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें जीरा है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 छोटी इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 बादियान का फूल है और 4 लौंगे हैं। ये साबुत मसाला है, हम चावलों में ऐड करेंगे। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैं तकरीबन 2 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी और 1/2 लेमन ऐड करूँगी। चलिए अब चावलों की तैयारी साथ साथ करते हैं। चावलों के लिए एक खुला बर्तन लें आप, क्योंकि खुले बर्तन में चावल बहुत अच्छे बनते हैं, तंग में चावल जो जुड़े जुड़े रहेंगे और इस तरह चावल बहुत अच्छे और खिले खिले से बनेंगे। इसके लिए हम 1/2 कप देसी घी इसमें डालेंगे। आप चाहे ऑयल, मक्खन कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मैं देसी घी ऐड करूंगी। फ्लेम ऑन कर दूंगी सबसे पहले इसमें, ये साबुत गरम मसाला वो इसमें ऐड करूंगी। मैं एक बात शायद आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने जब भी बिरयानी बनाई है किसी किस्म की भी, मटन की हो चिकन की हो, मैं उसका पानी ड्रेन नहीं करती। सब लोग चावल बॉईल करके उसका पानी निकाल देते हैं, ड्रेन कर देते हैं, मैं चावलों के अंदर ही पानी सुखाती हूँ। तकरीबन पानी बहुत कम डालती हूँ, 2 कनी तकरीबन चावल रखती हूँ मैं, थोड़े कच्चे पके से, कच्चे कच्चे से रखती हूँ, उसी में ही इतने अच्छे बन जाते हैं। आप इसी तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मसाले इसमें हमने ऐड किए थे घी में, अच्छी तरह से इसकी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी और अब थोड़ी देर के लिए आप इसमें फ्राई करें, पानी ऐड कर दें। पानी अभी आप कम ही डालें, चावल डालने के बाद बाकी का पानी ऐड कीजिएगा और साथ ही आप नमक भी ऐड कर दें इसमें। नमक आप चावल जब इसमें ऐड करेंगे, नमक का टेस्ट आप कर लीजिएगा। अब ढक्कन ऊपर दे दें, पानी बॉईल होता है फिर इसमें हम चावल ऐड करते हैं। चिकन तकरीबन 1/2 डन हो चुका है, अब आप इसमें दही ऐड कर दें। पानी इसका जब ड्राई हो जाएगा फिर हम इसमें ऑयल डाल के इसकी बुनाई करेंगे। थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं पानी ड्राई होने। पानी हमारा उबल चुका है, अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। पानी आपने जितने चावल है उतना ही पानी इसमें ऐड करना है, चावलों के ऊपर पानी यानी 1 कनी जो ऊपर रखते हैं वो नहीं रखना। और ये याद रखिएगा चूल्हे आपने दोनों एक साथ ही इस्तेमाल करने हैं ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। ये पूरा लेमन जूस है, 1/2 आपने इसमें ऐड करना और 1/2 आप चिकन के लिए रख लें और नमक भी स्टेज पे आप टेस्ट कर लें। चावलों में आप उतना ही चावलों के जितना ही नमक रखें इसमें, क्योंकि सालन में भी नमक होगा इसलिए ज़्यादा ना हो जाए। अब इसको पानी ड्राई होने तक इसका भी वेट करेंगे। चिकन में पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, 1/2 कप इसमें ऑयल डाल के इसकी हम बुनाई करते हैं। फुल फ्लेम पे हम इसकी बुनाई करेंगे। चावलों में भी तकरीबन पानी ड्राई होने वाला है, बस 1 मिनट और लगेगा फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। मैंने ऑफ कर दिए, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देख रहे हैं आपने इस तरह के चावल रखने हैं, बाकी ये दम पे हो जाएंगे जब हम चिकन वगैरह इसके अंदर ऐड करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, चिकन की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है, अब इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे।
लेमन जूस और धनिया और थोड़ा सा पुदीना, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब मैं फ्लेम इसलिए ऑफ कर दूंगी, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम चावलों की तरफ आ जाते हैं। अब आधे चावल हम एक बाउल में निकाल देंगे। येगा यकीनन इस तरह भी खिले खिले और चावल बिल्कुल नहीं जुड़ते। मैं ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा से बिरयानी, आप भी ऐसे ही बनाइएगा। देखिए बहुत जल्दी मैंने बिरयानी रेडी कर ली। अब मैं इसको दम पे रखूँगी। आधे चावल नीचे रहने देने हैं आपने, आधे चावल आपने नीचे रहने देने हैं इस तरह। इसके ऊपर मैं चावलों की लेयर लगाऊंगी। आधे चावल नीचे रखने के बाद अब हम सालन की इसके ऊपर लेयर लगाएंगे। सारे सालन की ऊपर तह इस तरह बिछा देंगे। बहुत जबरदस्त सा मसाला भी बना है। आप क्वांटिटी के हिसाब से बनाइएगा, चिकन ज्यादा हो चावल ज्यादा हो उसके हिसाब से आप टमाटर और प्याज भी इसी तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। उनके ज्यादा मसाला हो तो फिर ही बिरयानी का मजा आता है। सारा मसाला भी ऊपर सारा ऐड कर देंगे और हमेशा खुले बर्तन में चावल बनाइए, तंग में कभी ना बनाइए। बाकी के चावल भी आप इसके ऊपर इसी तरह सारे बिछा दें तो सालन जो है बिल्कुल नजर ना आए। तीन तीन तहें भी आप लगा सकते हैं जब ज्यादा क्वांटिटी में हो, खुले बर्तन में तीन तहें भी लगा सकते हैं चावलों की, दो सालन की। नीचे मैंने तवा रख दिया है चिल्ली के, ये दम वाला तवा ही है, ये अक्सर इसी से मैं दम लगाती हूँ। और थोड़ा सा एक तरफ हम ऑरेंज कलर इस तरह डाल देंगे। सब्ज मिर्च ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा साइडों से घी। अब फुल फ्लेम करके तवे को गर्म करेंगे। उसके बाद हम लो 5 मिनट के लिए आपने फ्लेम फुल रखनी है। उसके बाद फिर फ्लेम लो कर दें तकरीबन 8 मिनट के लिए। उसके बाद जब ज्यादा क्वांटिटी में चावल हो तो आप ज्यादा दम पे रख सकते हैं। मैं चावल थोड़े कम है इसलिए मैं 8 मिनट के लिए दम पे रखूंगी। अब मैं फ्लेम लो करने लगी हूँ। चावल हमारे रेडी हो चुके हैं, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब मैं आपको की फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से जबरदस्त बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनल लुक आपको भी दिखाती हूँ। आप ये देख रहे हैं हमारी बिरयानी की फाइनल लुक, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त रेडी हुई है। आप भी बनाइएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी फिर भी मैंने 45 मिनट के अंदर अंदर बिरयानी रेडी कर ली है। मैं काफ़ी देर से उन्होंने फरमाइश की हुई थी और आज मैंने सोचा था आज हर सूरत में उनकी फरमाइश पूरी करनी है। ये बिरयानी तकरीबन 45 मिनट के अंदर मैंने रेडी किया है वर्किंग वूमेंस के लिए, वर्किंग जेंट्स के लिए। बहुत जल्दी बन जाने वाली, बहुत आसानी से रेडी होने वाली। ये बहुत आसान है, हर कोई इसको बना सकता है और इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। और साथ मैंने रायता भी रेडी करना था, तबीयत नासाज होने की वजह से मैं वो रेडी नहीं कर सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको मटन की बिरयानी बना के दिखाऊंगी और आप मेरी वीडियो इसी तरह देखते जाइए। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त मज़े मज़े की बिरयानियाँ बनाना सिखाऊंगी। और आपसे इजाज़त चाहने से पहले यही कहूँगी, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सके।
और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।